बुलंद करें। जनाब अवैस नूरानी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यिदिल मुर्सलीन नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन। वाजिबुल एहतराम सदर महफिल, जरा आप लोग आराम से रिलैक्स हो जाएं। वाजिबुल एहतराम सदर महफिल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबरा हजरत अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वाजिबुल एहतराम मोहतरम प्यारे ब्रादर चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, और वो तमाम कायदीन जो स्टेज पे जलवा अफरोज हैं, और मीनारे पाकिस्तान के साए तले दाता की डगरी पे तशरीफ लाए हुए तमाम मौजिस कारकुनान बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। माशाल्लाह, इस जलसे को मुनक्किद करने में जिन अहबाब ने सुबह शाम मेहनत और मशक्कत करके अपना कीमती वक्त पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों को एक स्टेज पर पिरोने के लिए लगाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने इस स्टेज को सजाने के लिए जो मेहनत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का ये जलसा इस बात की गवाही देता है कि कौम पाकिस्तान की गयूर मुसलमान और तमाम वो जमहूरियत पसंद लोग आज इस बात का फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान की तमाम वो सियासी जमातें हर दौर में किसी भी डिक्टेटर को और किसी भी आमिराना सोच को इस मुल्क के अंदर अब चलने नहीं देंगे। 72 साल गुजरने के बाद भी आज मीनारे पाकिस्तान में खड़े सब हजरात देख लें स्टेज पर, बहत्तर साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों ने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया। 72 साल गुजरने के बाद मुफ्ती महमूद की सोच को तुम रोंद नहीं सके। 72 साल गुजरने के बाद मौलाना नूरानी के फिक्र और फलसफे को नहीं रोक सके। 72 साल गुजरने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच और फिक्र को नहीं रोक सके। 72 साल गुजरने के बाद वो लोग जो इस इंतजार की हवस में
का यौम एहतिसाब आज होकर रहेगा इंशाल्लाह। वो लोग जो आपके इलेक्शन को चोरी कर, वो लोग जो आपके वोट पर डाका मारकर अपनी मर्जी से हुकूमतें बनाते हैं, आज उनके यौम एहतिसाब का ऐलान होकर रहेगा इंशाल्लाह। कौम जाग चुकी है। इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इस्तीफा शाह महमूद कुरैशी की जेब में रख दो और घर जाओ, वरना तुम्हारी शेरू फोर्स और टाइगर फोर्स तुम्हें नोच के खा जाएगी। और खाली इमरान खान का एहतिसाब नहीं होगा, जिन्होंने छुप छुप कर गली मोहल्लों में पापा जॉन पिज्जा की दुकानें खोली है, उनका भी एहतिसाब होगा। दुबई में बैठा हुआ वो भगोड़ा जनरल मुशर्रफ, उसका भी एहतिसाब होगा। और एहतिसाब पीडीएम नहीं लेगी, एहतिसाब पीडीएम नहीं करेगी, एहतिसाब का अमल ये 22 करोड़ आवाम फैसला करेगी इंशाल्लाह। बहुत तमाशे आपने इस मुल्क में राइज किए, और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन छुप छुप के पीडीएम के जलसों में आ रहे हैं, उठो बगावत करो अपनी जमात पे खड़े होकर, उठो छुप छुप के बताओ, बगावत करो इनके खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अपने चेयरमैन के खिलाफ बगावत करो, और पीटीआई को छोड़कर पीडीएम के इस नजरी जमात को पर दाखिल हो जाओ। आज अजीब तूफान है, चारों इतराफ में वो लोग मौजूद हैं जिनको कभी तसव्वुर में आपने इख्तदार की कुर्सी में नहीं देखा होगा, और ये जंग इख्तदार की जंग नहीं है, ये जंग इख्तदार की जंग नहीं है, ये जंग आईन की हक के हुक्मरानी की जंग है। और तारीख उठाकर देख लो, इस जंग के अंदर सिर्फ अवाम जीती है, अवाम के ठाटे बाटे समंदर ने तुम्हारे इख्तदार को भेजाओगे तुम इंशाल्लाह। और एहतिसाब करने आए हैं बहुत सारे, यहां पे रोजाना बयान देते हैं, हम एहतिसाब करने आए हैं। मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग एहतिसाब करना चाहते हैं, आओ मैदान में मर्द के बच्चे बनो और 72 साल का हिसाब निकालो, इंशाल्लाह तुम्हारा मुंह काला होगा इसके ऊपर। मेरे दोस्तों, आज एक वादा करो, इस्लामाबाद आओगे? भाई आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आती तुम लोगों की, इस्लामाबाद आओगे? ये आवाज नवाज शरीफ को लंदन नहीं पहुंच रही, इस्लामाबाद आओगे? नहीं भाई नहीं, अभी तो मियां साहब ने भी खिताब करना है। इस्लामाबाद आओगे? जिंदाबाद। कायदीन सरबरा जब भी ऐलान करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब इंशाल्लाह जोग दर जोग पूरा मुल्क इस तारीखी सफर के अंदर इंशाल्लाह शाना बशाना होकर इस्लामाबाद पहुंचेगा। वादा लाहौर वालों, पाकिस्तान की तारीख बदलने का वक्त आ गया है, तारीख बदल के छोड़नी है। जिन इलाकों के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया, पीडीएम इंशाल्लाह उन इलाकों में पाकिस्तान का झंडा लहराकर सोचेगी, और आप भरपूर तरीके से हमारे साथ तआवुन करें। ये मंजिल सख्त जरूर है,
कठिन जरूर है, मगर आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपको राहत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और हमें इस्तेकामत के साथ इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जितने भी फैसले हों उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर वालों, वोट को नवाज शरीफ के शेरों, बिलावल भुट्टो जरदारी के जियालों, मौलाना फजल रहमान के मतवालों, मैं अब दावते खिताब दूंगा अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब अमीर हैदर खान होती साहब को कि वो आए और इस अवाम के ठाठे मारते हुए समंदर से खिताब करें।